एक समय था जब रामानंद सागर जी की रामायण और बी आर चोपड़ा जी की महाभारत हर घर घर में बसती थी, और जहां उस समय भले ही सिनेमा की टेक्नोलॉजी उस स्तर की नहीं थी, मगर फिर भी उस समय के फिल्मकार या कहे रामानंद सागर जी और बी आर चोपड़ा जी ने अपने विजन से महाभारत और रामायण को घर घर पहुंचा के सभी को उन महान चरित्रों का दीवाना और प्रेरणा स्रोत बना लिया था। मगर आज की पीढ़ी में फिल्म मेकिंग का सेंस और नई टेक्नोलॉजी से फिल्म देखने का नजरिया ही बदल दिया है। तो उस हिसाब से अगर प्रोजेक्ट बड़े हो और अगर हिंदू पुराण रामायण का हो, तो फिर सभी ऑडियंस की चाह और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अभी हाल में आया आदि पुरुष का टीजर देख फैंस और ऑडियंस का जो रिएक्शन देखने को मिला है, उससे यही लग रहा है कि आखिर ये 500 करोड़ कहां खर्च किए गए। आदि पुरुष का टीजर 2 अक्टूबर को बड़े भव्य तरीके से उसका प्रीमियर लॉन्च किया गया, मगर जैसे ही टीजर देखा गया, सच्ची लगा ये क्या देख लिया हमने। जब फिल्म को अनाउंस किया गया था, तो इसकी मेकिंग और मोशन कैप्चर जैसी टेक्नोलॉजी को लेकर के जो हाइप क्रिएट की गई थी, मेरी एक्सपेक्टेशन राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स या एटलीस्ट बाहुबली के स्तर की मेकिंग को लेकर के तो थी ही। मगर सच दोस्तों, टीजर देख के सिर्फ निराशा हाथ लगी। आखिर क्यों नहीं हम उस लेवल का सिनेमा बना पा रहे हैं जो हम गेम ऑफ थ्रोन्स लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देख पाते हैं। इंडियन मेकर्स के पास उनके जितना बजट तो नहीं होता, मगर उनके बजट का 20-30% तो लगता ही है यहां की मेकिंग में। तो प्रॉब्लम क्या है? रावण जैसे महान किरदार जिसके व्यक्तित्व को सोच करके रोंगटे खड़े हो जाए, उसे सैफ अली खान का मॉडर्न अवतार रावण कैसे डाइजेस्ट करेगी इंडियन ऑडियंस? वानर सेना को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई कार्टून नेटवर्क में मोगली शो देखा जा रहा हो। रावण की लंका कहां गई? उसकी जगह पे ड्रैकुला का कैस्टल और उसके वैम्पायर बैट्स दिखाए गए हैं। क्या था ये? रामायण और महाभारत ये हमारे हिंदू पुराणों के बहुत बड़े असीम पुराण हैं, और हम सभी इंडियंस इन दोनों महाकाव्यों से इमोशनली जुड़े हैं। इनकी भव्यता इतनी बड़ी है कि गेम ऑफ थ्रोन्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग इन दोनों काव्यों के सामने बोने हैं। तो हमारे पास इतनी बड़ी धरोहर होते हुए भी हम उस स्तर का सिनेमा क्यों नहीं देख पा रहे हैं? यह हमारे फिल्म मेकर्स का विजन इतना बड़ा नहीं है? हालांकि बाहुबली ने उम्मीद जगाई तो थी, मगर उसके बाद क्या? फिर से वही टेक्निकल प्रॉब्लम। टीजर ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया दोस्तों। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।